नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग पे। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम रीजनिंग में सीरीज़ का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, तो हमें आज क्या करना था, स्क्वेयर और क्यूब करने थे, वर्ग और घन ही हमें करने थे। बस आपको दो तीन बातों का और ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते रहना है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। यकीन नहीं मानोगे कि इतने मुश्किल क्वेश्चन सिर्फ आपके दो दो तीन तीन सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये कंप्लीट देखनी है वीडियो, और सीरीज का आपका कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हो, उसके बाद में डिवाइड आप कर चुके हो, सब्ट्रैक्शन आप कर चुके हो, एडिशन सबसे पहले हमने किया था, स्टेप टू स्टेप हमने यूज़ की थी। कल वाली जो क्लास थी, जो नहीं देखी है बच्चों ने, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कि बिना डिफरेंस के मल्टीप्लाई से क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही आज भी हम ऐसे मुश्किल क्वेश्चन जो कि हम स्क्वेयर और क्यूब की मदद से हम उन सबको सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कहता है, 57 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम स्क्वेयर और क्यूब शुरू करने वाले हैं, यानी कि वर्ग और घन हम शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम एक का वर्ग निकालें, एक का स्क्वेयर निकालें, तो एक का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग होगा एक, और एक का घन कितना होगा, एक होगा। भाई एक का स्क्वेयर कितना है, एक है, एक का क्यूब कितना है, वो भी एक ही है। उसके बाद दो का स्क्वेयर कितना है, दो का स्क्वेयर है चार, तीन का दो का स्क्वेयर कितना हुआ चार, और दो का क्यूब कितना हुआ आठ। भाई वर्ग ऊपर है और घन आपका कहां पे है, नीचे की ओर है। अब हम चलते हैं तीन पे, कि तीन का वर्ग हुआ नौ और तीन का घन हुआ सत्ताईस, चार का वर्ग है सोलह, चार का घन है चौसठ, पांच का वर्ग होता है पच्चीस और पांच का घन होता है 125। अब यहां पे आप पे आगे पूछा गया है, आगे पूछा गया है तो यानी कि वो छह के बारे में आपसे पूछना चाहता है, तो छह का वर्ग कितना होता है, छह का वर्ग होता है आपका 36। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर आया। चलिए इससे आगे, भाई छह का घन कितना होता है, छह का क्यूब कितना होता है, छह का क्यूब होता है 216, कितना होता है 216 होता है। ये जितने भी क्वेश्चन है 57 से लेकर के 68 तक, दो क्वेश्चन तो आपके तुरंत सोल्व हो गए। आपको क्या काम करना है, वीडियो को यहीं पे रोक लेना है और सिर्फ आपके पास 5 मिनट का समय, तो चलिए 10 मिनट मान लेते हैं, आपके पास 10 मिनट का समय है, वीडियो को यहीं पॉज करके हर एक क्वेश्चन आप सोल्व करिए। अगर 10 मिनट में आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो बहुत बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस चल रही है, अगर सोल्व नहीं होते हैं तो फिर आपको मेरी वीडियो चला के देखनी है। तो चलिए आप वीडियो को रोकिए, सोल्व करिए और फिर आइए मेरी वीडियो पे, और फिर चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है कितनी आसानी से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए हम आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। मुझे यकीन था कि आपने सोल्व किए होंगे, तो आपने डिफरेंस से किए होंगे। आंसर हालांकि आया, लेकिन डिफरेंस से बहुत देर में आपका आंसर आता है। देखिए अब यहां पे क्या लिखा है, दो है, उसके बाद में क्या है, 12 है, फिर है 36 और फिर कितना है, 80 है। तो कुछ भी आपको वहां समझ नहीं आया होगा, तो अब करना क्या है वो देखिए। हमने लेने हैं ये क्यूब, हमें क्या लेने हैं, ये क्यूब लेने हैं, यानी कि ये घन लेने हैं, और ये ऊपर की ओर जो आपके वर्ग लिखे हुए हैं ये हमें वर्ग लेने हैं। इन दोनों का ही हमें यूज करना है। मुझे पता है कि आपको 6 तक ही आपको घन आते थे, 6 तक मैंने याद करवाए, उसके बाद नहीं आते थे, है ना। चलिए देखते, देखो वर्ग और घन को आपस में जोड़ेंगे, स्क्वेयर और क्यूब को आपस में जोड़ेंगे, तो एक और एक को जोड़ा कितना आया, 2। भाई 8 और 4 कितना हुआ, 12। 27 और 9 कितना हुआ, 36। 64 और 16 कितना हुआ, 80। सेम ऐसे ही 125 में जब आप 25 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हुआ 150। आंसर कितना हुआ, 150। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे हमने ऊपर वाले में किया प्लस, ऊपर वाले में क्या किया प्लस, चलिए नीचे वाले में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक के स्क्वेयर को और एक के क्यूब को आपस में माइनस कर दो,
एक में से एक गया कितना आया, जीरो। आठ में से चार घटाया कितना आया, चार। सत्ताईस में से नौ घटा दिया कितना आ गया, अट्ठारह। चौसठ में से सोलह घटा दिया कितना आया, अड़तालीस। एक सौ पच्चीस में से पच्चीस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर कितना हुआ, सौ, यानी कि हंड्रेड। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया, सौ आया, यानी कि हंड्रेड इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो देखिए हमने 59 में और 60 में क्या टर्म हमने अप्लाई की, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने x का क्यूब किया और उसमें प्लस और माइनस करके हमने x का स्क्वायर घटा दिया या जोड़ दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का एक ट्रिक बनती है। किस तरीके से, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो देखिए दो का क्यूब कर दो और दो के स्क्वायर को आपस में ऐड कर दो। तो देखो दो का क्यूब कितना होता है आपका, आठ, और दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। आठ और चार कितना हुआ, बारह। तो इसकी बातें मैं कर रहा था, ये आपका सोल्व हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपको क्या कहता है, जैसे ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से सोल्व किए, अब इन्हें भी हम सोल्व करने वाले हैं सिंपल तरीके से। तो देखो यहां पे तीन है, ये दस है, ये उनतीस है और ये छियासठ है। ये तीन जो है कहीं ना कहीं एक के नजदीक है, और जो ये दस है ये कहीं ना कहीं इस आठ के नजदीक है, ये उनतीस इस सत्ताईस के नजदीक है, और ये छियासठ इस चौसठ के नजदीक है। यदि ये सब नजदीक है तो कितना प्लस माइनस किया गया है, वही हम यहां पे जान लेंगे। तो देखिए कि यदि हम एक में दो जोड़ देंगे तो तीन हो जाएगा, एक में कितना जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे तो तीन हो जाएगा। आठ में दो जोड़ दिया दस, सत्ताईस में दो जोड़ा तो उनतीस, चौसठ में दो जोड़ा तो छियासठ। अब क्या कर रहा है, देखिए पहले तो लिया उसने एक का क्यूब, फिर दो का, फिर तीन का, उसके बाद चार का, अब कितने का ले लेगा, पच्चीस का। कितना ले लेगा, पांच का, तो पांच का कितना होता है, 125। कितना प्लस करेगा, दो प्लस करेगा, कितना आंसर आया हमारा, 127 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। यानी कि इसने क्या काम किया है, इसने सिंपल सा एक काम किया है, यानी कि एक्स का इसने क्या किया, क्यूब किया। मान लीजिए जैसे कि एक्स हमने माना तीन, तीन का इसने क्यूब किया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया कितना, दो। कितना प्लस किया, दो प्लस किया, ये हमारी क्या बनी, एक फॉर्मेशन बनी। तो चलिए हम ऐसे ही 62 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, यदि इस एक में से हम दो माइनस कर देंगे तो माइनस एक हो जाएगा, यदि एक में से एक घटाया तो जीरो, और जीरो में से एक और माइनस कर देंगे तो माइनस वन हो जाएगा। यानी कि कितना माइनस कर रहा है, टू माइनस कर रहा है। तो देखिए दो के क्यूब में से, दो के घन में से यदि वो दो माइनस कर देता है तो कितना आता है हमारा, छह आता है। आठ में से दो गया कितना आया, छह आया। तीन के घन में से दो माइनस कर दो, सत्ताईस में से दो माइनस कर दो कितना आया, पच्चीस आया। चौसठ में से दो माइनस कर दो कितना आया, बासठ आया। 125 में से दो माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 123 है। यानी कि x के क्यूब में हम माइनस कर रहे हैं कितना, दो माइनस कर रहे हैं। कितना माइनस कर रहे हैं, दो माइनस कर रहे हैं। बड़ी आसानी से सोल्व हो चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन्हें भी इतनी ही आसानी से हम सोल्व करते हैं। देखो ये यहाँ पे दो है, ये एक के नजदीक है, दस लिखा है आठ के नजदीक है, तीस लिखा है तो सत्ताईस के नजदीक है, यानी कि ये क्यूब का ही जिक्र कर रहा है। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं कि यदि मान लीजिए एक के क्यूब में आप एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। उसके बाद यदि आप दो के घन में दो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा। यदि आप तीन के घन में यदि आप तीन जोड़ दोगे तो सत्ताईस आ जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जितने का क्यूब ले रहा है, जितने का घन कर रहा है उतना ही जोड़ रहा है। जैसे कि यहां कितने का है, ये चार का है तो चार ही जोड़ रहा है। अब यहां लास्ट में क्या होना चाहिए कि पांच का ये घन लेगा और पांच ही इसमें प्लस कर देगा, यानी कि 130 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, 130 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। लेकिन इसने क्या ट्रिक अप्लाई की वो हम जान लेंगे। तो इसने ट्रिक अप्लाई की है, x का इसने क्यूब किया, प्लस किया x, प्लस क्या किया, x इसने प्लस कर दिया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगर यही फॉर्मेशन है, ऊपर की तरफ प्लस यूज किया है तो नीचे की तरफ पक्का वो माइनस ही यूज करेगा। तो देखिए 64 आपको क्या कहता है, 64 कहता है कि जितने का क्यूब करो उतना ही हटा दो। भाई हमने एक का क्यूब किया, एक ही माइनस कर दिया, जीरो आ गया। हमने दो का घन किया, दो ही घटा दिया, कितना आ गया, छह आ गया। आठ में से दो गया, कितना आया, छह आया। उसके बाद 27 में से तीन घटा दिया, कितना आया, 24 आया। भाई 64 में से चार घटा दिया, कितना आया, 60 आया। उसके बाद 125 में से हम केवल 125 में से केवल कितना माइनस कर देंगे, पांच माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 120 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने पांच का क्यूब किया और उसमें से पांच ही हमने माइनस कर दिया। यानी कि हम जितने का क्यूब करेंगे, जितने का हम क्यूब करेंगे उतना ही हम या तो प्लस कर लें या फिर माइनस कर लेंगे। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे सोल्व हुए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये जो तीन है ये एक के नजदीक है, सात जो है वो आठ के नजदीक है, लेकिन तेरह जो है वो सत्ताईस के नजदीक नहीं है, और 21 जो है वो 64 के नजदीक नहीं है। यानी कि ये क्यूब का यूज नहीं कर रहा है, ये घन का क्यूब जो है यूज नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्ग अप्लाई करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही क्या चल रहा है, सीरीज, सीरीज में भी स्क्वेयर और क्या चल रहा है, क्यूब। तो क्यूब से तो बना नहीं, अब किससे बनेगा, अब बनेगा वर्ग से, स्क्वेयर से। तो देखिए यदि आप एक का वर्ग करते हो, एक का वर्ग करते हो उसमें कितना जोड़ देते हो, दो, तो कितना आ जाता है, तीन आ जाता है। यदि आप दो का वर्ग करते हो, यदि आप दो का वर्ग करते हो और उसमें आप तीन जोड़ देते हो, यानी कि दो का वर्ग हुआ चार और चार में तीन जोड़ा तो कितना आ गया, सात आ गया। सेम ऐसे ही जब हम तीन का वर्ग करेंगे और चार जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तेरह आ जाएगा। तो दोस्तों देखो यहां पे क्या फॉर्मेशन आपकी चल रही है कि जितने का वर्ग कर रहा है, जितने का वर्ग कर रहा है उससे अगला नंबर ले लेता है। जैसे कि यहां पे आया 21, अब 21 किसके वर्ग के नजदीक है, वो किसके वर्ग के नजदीक है, वो नजदीक है चार के, कि हमने चार का वर्ग किया और चार से अगली चीज क्या होती है, चार से अगली संख्या जो होती है, अगली संख्या होती है पांच। तो चार चौक 16 और पांच कितना हो गया, 21 हो गया। सेम ऐसे ही हमें यहां क्या करना है, हमें यहां पे पांच का वर्ग कर देना है और पांच से अगली संख्या यानी कि छह उसको हमने प्लस कर देना है। तो चलिए प्लस कर देते हैं, पांच का 25, 25 और 6 कितना हुआ, 31। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 31 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। यदि मान लीजिए मैं एक का वर्ग करूं और उसमें से दो घटा दूं तो एक बन जाता है, यदि मैं दो का वर्ग करूं और उसमें से तीन घटा दूं तो एक बन जाता है, चार में से तीन गया तो एक बनता है। ऐसे ही 9 में से जब 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद 16 में से यदि आप 16 में से यदि आप 5 घटा देते हो तो फिर आपका कितना बचना चाहिए, यहाँ पे 11 बचना चाहिए। बाय मिस्टेक यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ पे जो है 4 चौक 16 होता है, 16 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 11 यहाँ पे आना चाहिए। यही फॉर्मेशन आपकी बननी चाहिए थी। अब क्या है कि 25 में से हमें कितना माइनस कर देना है, 25 में से हमें 6 माइनस कर देना है। जब आप 25 में से 6 माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर क्या हुआ, 19 आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। यानी कि यहाँ पे उसने क्या टर्म अप्लाई की है, तो देखिए यहाँ पे उसने टर्म अप्लाई की कि आपने क्या करना है, एक्स का वर्ग कर देना है, उसमें प्लस या माइनस करना है, या तो प्लस करो या फिर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। कितना प्लस माइनस करना है, x प्लस वन। तो हमारी फॉर्मेशन क्या बनी, ये हमारी फॉर्मेशन बनती है 65 और 66 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 और 68 की ओर। ये दोनों हमें क्या कहते हैं, देखिए ये जो एक है ये एक के वर्ग के नजदीक भी है और घन के नजदीक भी है, पांच जो है वो दो के वर्ग के नजदीक है, दो के वर्ग के नजदीक है और घन के नजदीक भी है। ये जो 11 है यानी कि ये तीन है, यानी कि तीन के घन के नजदीक तो नहीं है,
11 जो है वो 27 के नजदीक नहीं है, वो 9 के नजदीक है। यानी कि यहां पे किसका यूज कर रहा है, यहां पे स्क्वेयर यानी कि वर्ग का वो प्रयोग कर रहा है। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कि यहां पे क्या किया गया कि उसने किया एक का वर्ग, यदि मान लीजिए एक का वर्ग कर देते हैं और वहां पे आंसर आपका एक ही आना चाहिए, तो यही हम छोड़ देते हैं कि एक का वर्ग जो है एक होता है, हमने यहीं पे रहने दिया। अब चलते हैं दो पे, तो देखिए दो का जब आप वर्ग करते हो तो दो का वर्ग आपका कितना होता है, चार होता है। चार में ये कितना जोड़ रहा है, चार में ये एक जोड़ रहा है, तो कितना हो गया, पांच हो गया। अब ये है कितने का, तीन का, तो तीन का वर्ग कितना होता है, तीन का वर्ग होता है नौ, और नौ में कितना जोड़ दिया, दो जोड़ दिया। उसके बाद चार का वर्ग होता है सोलह, और सोलह में कितना जोड़ा, तीन इसने जोड़ा, सोलह में कितना जोड़ा, तीन इसने जोड़ा। तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या काम हो रहा है, वो जितने का वर्ग कर रहा है, अगर मान लीजिए हम x का है ना वर्ग कर देते हैं, x का क्या कर देंगे वर्ग, उसमें कुछ ना कुछ प्लस करेगा या फिर माइनस करेगा, फॉर्मेशन तो यही चलेगी कि भाई x का उसने वर्ग किया, प्लस माइनस किया, उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद x में से एक घटा दो, x में से एक घटा दो, एक माइनस कर दो। जैसे कि चार का वर्ग किया, चार में से एक घटाया तो तीन आ गया। अब क्या करना है, अब हमें पांच का वर्ग करना है, और पांच में से एक घटाया तो चार आया, हमने लिख दिया चार। पांच का वर्ग कितना होता है, 25, 25 में चार जोड़ा कितना आया, 29। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 29 हो गया। हमारी फॉर्मेशन क्या बनती है, ये। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं, इसके बाद हम इनके डिफरेंस में सोल्व करेंगे, उसके बाद हम उन्हें देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए यदि अब यहां पे क्या आना चाहिए था कि एक का उसने क्या किया है, वर्ग किया है, एक का वर्ग किया है और एक में से एक घटा दिया तो कितना आ गया, जीरो। यानी कि उसने जीरो प्लस किया था ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या कर रहा है कि एक का उसने वर्ग किया और उसने जीरो माइनस कर दिया, तो एक ही बना भाई, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पता कहां से चलेगा, तीन से पता चलेगा। और सीरीज हमेशा पहले दो अंक से कभी सोल्व नहीं होती है, सीरीज हमेशा लास्ट के तीन अक्षरों से या फिर पहले दो अक्षर को छोड़ करके, दो संख्याओं को छोड़ करके, उसके बाद ही आपकी सीरीज हमेशा स्टार्ट होती है, वो आपने प्रैक्टिस की होगी। तो देखिए हम आते हैं इस पे, जब हम दो का वर्ग कर देते हैं, दो का वर्ग कितना हुआ, चार, और चार में से हमने एक माइनस किया तो आंसर कितना आया, तीन हमारा आंसर आता है। इसके बाद यहां पे लिखा है सात, सात का मतलब है यानी कि तीन, तीन का वर्ग कर देते हैं, तीन का वर्ग हुआ नौ, और नौ में से दो माइनस कर दिया तो बन गया सात। उसके बाद हमने क्या किया, चार का वर्ग किया, चार का वर्ग होता है सोलह, और सोलह में से हम तीन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, पांच का वर्ग कर देना है और हमने चार जो है वो माइनस कर देना है, कि हमें जितने का x का वर्ग करेंगे और x में से एक घटा करके उसे माइनस कर देंगे या फिर प्लस कर देंगे। तो देखिए पांच का होता है 25 में से चार माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने आंसर चेक करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने इस वीडियो को 10 मिनट के लिए रोक लेना है, तो ये तो हालांकि मैंने एक के कितने आराम से आपको समझाया है ना, तो इन्हें सोल्व करते तो ज्यादा देर लगती नहीं, अपने क्वेश्चन कितने, इतने सारे तो क्वेश्चन भी नहीं है, ये सिर्फ जो है हर एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकंड लेता है, हकीकत में 5 और 6 सेकंड में सोल्व है ये क्वेश्चन, है ना। तो अब इनसे थोड़े से और हार्ड देखेंगे और उनको और भी आसान करके हम सोल्व करेंगे, तो चलिए इसके बाद करेंगे। हमने 68 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर चुके हैं, अब हम पहुंचेंगे 69 नंबर क्वेश्चन पे। जितनी आसानी से हमने वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इन क्वेश्चन को भी हम उतनी ही आसानी से सोल्व करेंगे, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। मैंने गैप इसलिए लिया है कि आपकी जो आदत है डिफरेंस वाली, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं कि आपके आंसर डिफरेंस से भी आते हैं और आपके डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन से भी आते हैं, तो चलिए उन्हें हम सोल्व करेंगे किस तरीके से। तो देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिफरेंस लेना होगा, जो आपका तरीका है, कि यानी कि 11 और 4 का हमें डिफरेंस लेना है, 11 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है। ऐसे ही 30 और 11 का डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस हुआ 19। 67 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ, ये डिफरेंस हुआ आपका 37।
सेम ऐसे ही 128 में से यदि 67 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 61 यानी कि 61 हुआ। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इनका भी डिफरेंस करना होगा क्योंकि यहां से हमें पता नहीं चल रहा है कि इसने डबल किया है या ट्रिपल किया है, अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, और भी डिफरेंस कर लेते हैं। तो चलिए 19 में से यदि 7 माइनस हो जाए तो कितना हो जाता है, 19 में से 7 माइनस हो गए तो हमारा कितना बचा, 12 यहां पे बचता है। इसके बाद भाई इसके बाद आया 67, 67 में से यदि 19 माइनस हो जाएंगे, यदि इसमें से 19 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 यहां पे बचता है। इसके बाद 61 में से यदि 67 माइनस हो जाए, 61 में से यदि 37 यदि माइनस हो जाते हैं तो यहां पे आपका कितना बचेगा, यहां पे बचेगा आपका 24 यानी कि 24। तो देखिए क्या हमें यहां से समझ आ रहा है, हां जी समझ आ रहा है। तो देखिए 12 में कितना जोड़ा है, 12 में जोड़ा है 6, 12 और 6 कितना हुआ, 18 हुआ। अब 18 में कितना जोड़ रहा है, 18 में भी 6 जोड़ रहा है, 24 हो गया। तो चलिए 24 में भी कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा यहां पे, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। तो 6 और 3 कितना हुआ, 9, और एक कितना हुआ, 91। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है। तो चलिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं कि 8 और 1 कितना हुआ, 9। भाई 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 होता है 21। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 219। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 219। यहीं पे रहना था बस इसे। चलिए कितना आया, 219 आया। अब बात वो हुई कि डिफरेंस तो करना ही नहीं था, चलिए डिफरेंस नहीं करना था तो डिफरेंस को काट देते हैं, डिफरेंस नहीं करना है छोड़ दिया। अब डिफरेंस नहीं करना तो अब क्या करें, अब हमें सिंपल सा यही काम करना है कि सीरीज का हमेशा कहां से पता चलता है, कि पहली दो संख्याओं को छोड़ दो, उसके बाद हमें सीरीज का खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाता है। तो देखिए पहली और दूसरी दो संख्याएं हमने छोड़ दी, चलिए देखते हैं ये 30 किसके नजदीक है, ये 30 तो 27 के नजदीक है, ये 67 किसके नजदीक है, ये तो 64 के नजदीक है, ये 125 के नजदीक है, ये तो क्यूब मिल गया। तो चलिए क्यूब देखते हैं ये कितने का है, ये है 3 का, ये कितने का, 3 का घन, 3 के घन में कितना जोड़ दिया, 3। ये 4 का घन, 4 के घन में कितना जोड़ दिया, 3। ये कितने का है, ये 5 का घन है, 5 के घन में कितना जोड़ रहा है, 3। सॉल्यूशन तो सही होता जा रहा है। तो चलिए आगे भी ऐसे ही करते हैं कि 6 के घन में कितना जोड़ दे, 3। 6 का घन कितना होता है, 216, 216 में 3 जोड़ दिया, क्या आंसर आ गया, 219 आ गया। बड़ा फटाक से आंसर आ रहा है। तो ये दो सीरीज हमने रोकी थी, इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए 2 का हमने क्यूब किया, 2 का घन कितना हुआ, 8, 8 और 3 जोड़ देंगे कितना हुआ, 11, ये भी 16 हो गया। अब चलते हैं इस पे, तो देखिए 1 का घन कर लिया, 1 का घन कर लिया, 3 जोड़ दिया, ये भी सही है भाई, अपना तो तरीका सही हो गया, सही हो गया। तभी तो मना कर रहा हूं कि भाई आपको डिफरेंस नहीं करना है, डिफरेंस को भूल जाओ, बिना डिफरेंस के सोल्व करो हर एक क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन जो है आप खुद डिफरेंस से सोल्व करके देखो, इनका अंतर निकाल के देखो कि 12 और 7 का अंतर कितना होता है, 5 होता है। देखिए किस तरीके से, ऐसे कि 12 और 7 का अंतर कितना है, 5। उसके बाद 19 और 12 का अंतर आपका कितना है, इनका अंतर करते जाएंगे, डिफरेंस करते जाएंगे, फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कि हर एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ना करके डिफरेंस से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए 19 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 12, तो कितना आया आपका, 7 आया, ठीक है। इसके बाद में 28 में से हमने 19 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 9 बचा, कितना बचा, 9 बचा, यानी कि 9 बचा। सेम ऐसे ही भाई 39 में से 28 हमने माइनस कर दिया, अब यहां कितना बच रहा है, तो यहां बच रहा है 11, यहां कितना बच रहा है, 11। तो देखिए दोस्तों यहां 5, 7, 9, 11, तो यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए, 13। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 3 कितना हुआ, 9 और 3 कितना हुआ, 9 और 3 हुआ 12, और 3 और 2 5, यानी कि 52 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। कि हर एक जगह स्क्वायर क्यूब लगाना भी जरूरी नहीं है, है ना। अब बात वही हुई कि टॉपिक तो स्क्वायर क्यूब का चल रहा है, इसमें भी स्क्वायर क्यूब लगना चाहिए, तो इसमें भी स्क्वायर क्यूब लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इसमें स्क्वायर क्यूब किस तरीके से जो है अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसमें अप्लाई किस तरीके से हो रहा है वो देखते हैं, कि ये जो सारे के सारे हैं, अगर मान लीजिए हम इन दो सीरीज को छोड़ दें, ये 19 आया, 19 जो है 27 के नजदीक तो है, थोड़ा बहुत नजदीक है, लेकिन क्या ये 64 के नजदीक है, ये तो 64 के नजदीक नहीं है, नहीं है। तो हमें कहां अप्लाई करना होगा, हमें स्क्वेयर पे अप्लाई करना होगा, वर्ग पे। तो ये 7 लिखा है, ये किसके स्क्वेयर के नजदीक है,
तो ये किसके स्क्वायर के नजदीक है? ये है दो के नजदीक भी है और तीन के नजदीक भी है। तो चलिए हम पहले दो से सोल्व करेंगे फिर तीन से सोल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम दो से सोल्व करें कि दो का वर्ग कितना होता है, दो का वर्ग होता है चार, और चार में कितना जोड़ दे तीन, तो चार और तीन कितना हुआ सात। हम तीन को बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं अगर ये दो से हो रहा है ये तीन से हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो किस पे आएंगे, तीन पे आएंगे सॉल्यूशन, तो दो ही बचे हैं। तो देखिए बारह यहां पे क्या किया हमने, तीन का क्या कर दिया स्क्वायर, तीन का कितना हुआ नौ, नौ और तो तीन कितना हुआ बारह, ये भी सही हुआ ये भी सही हुआ। चलिए देख लेते हैं आगे भी सही हो सकता है। तो देखो चार, चार का हमने क्या करना है सोलह, और सोलह में कितना जोड़ दिया तीन, ये भी सही हो गया। पच्चीस में तीन जोड़ दिया अट्ठाईस, छत्तीस में तीन जोड़ दिया उनतालीस, बहुत बढ़िया सही चल रहा है अपना तो, है ना। उसके बाद में कितने का है ये कितने का है सात का, सात का कितना होता है उनचास, उनचास में कितना जोड़ दिया तीन, बावन, बहुत बढ़िया। अरे भाई स्क्वेयर क्यूब चल रहा था तो स्क्वेयर क्यूब से ही सोल्व कर लिया, डिफरेंस से नहीं सोल्व करना था, चलिए नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप यकीन मानो डिफरेंस के अलावा बहुत सारे सोल्यूशन है, यदि आपको ये स्क्वेयर क्यूब आता है तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व हो जाता है। चलिए इसका डिफरेंस तो आपका बिल्कुल छोटा छोटा मिला, आसान आसान मिला, लेकिन क्या हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा? एक आध बच्चे की तो कैलकुलेशन भी नहीं है, है ना, कैलकुलेशन भी नहीं है। हकीकत तो यही है कि 39 में से 28 घटाना उन मार्थियों को आता नहीं है, यहाँ ऐसे लिखेंगे फिर ये लिखेंगे उसके बाद में माइनस करेंगे फिर भूल जाएंगे तो खत्म कहानी, है ना। चलिए कोई नहीं, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, 71वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन भी आप डिफरेंस से कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस में हमारा टाइम वेस्ट होता है, और अगर ये बिना डिफरेंस के सोल्व करें तो वैसे भी सोल्व हो सकता है। चलिए आज मैं आपकी मान लेता हूं, तीसरे क्वेश्चन में डिफरेंस की मान लेते, ट्रिक नहीं करते अप्लाई, चलिए नहीं करते ट्रिक अप्लाई, हम तो डिफरेंस से करेंगे। तो दो में से एक गया कितना आया एक, दस में से दो गया कितना आया आठ आया, इसके बाद 37 में से भाई 10 चला गया कितना आया 27 आया, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम तो। भाई 101 में से 37 माइनस हो गया तो कितना बचा हमारा, हमारा बचा 64 यानी कि 64। इस डिफरेंस से हमें कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, ये तो है एक का घन, ये दो का घन, ये तीन का घन, ये चार का घन, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे क्यूब हैं, क्यूब हैं। तो इसके बाद किसका क्यूब आएगा, तो देखिए चार का क्यूब आ चुका है तो अब कितने का क्यूब आएगा, अब आएगा पांच का क्यूब, पांच का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा वो भी नोट कर लेंगे, तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा 226। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 226। अब की बार मैंने आपकी मान ली तो सोल्व हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, 72 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 72 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, चलिए देखते हैं। डिफरेंस से सोल्व करना है, चलिए हर एक क्वेश्चन अब डिफरेंस से ही सोल्व करेंगे। कि तीन में से दो गया कितना आ गया एक आ गया, अब ऐसे ही भाई दस में से तीन गया कितना आया सात, उसके बाद यहां कितना बचा पांच, उसके बाद यहां कितना बचा है, यहां बच रहा है ग्यारह। क्या हमें इस डिफरेंस से पता चल रहा है कुछ, क्या हमें डिफरेंस से कुछ पता चल रहा है? चलिए और डिफरेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनका डिफरेंस कितना आया छः, इनका डिफरेंस कितना है दो का, इनका डिफरेंस कितना है छः का। अगर पहले प्लस छः फिर माइनस दो, फिर प्लस छः फिर कितना होना चाहिए माइनस दो ही होना चाहिए, चलिए माइनस दो कर लेते हैं। अब ग्यारह में से हमने दो माइनस कर दिया कितना आ गया नौ आ गया, नौ आ गया। अब क्या करना है छब्बीस में कितना प्लस कर देंगे नौ प्लस कर देंगे, छब्बीस में जब आप नौ प्लस करोगे तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 35 आंसर आ रहा है, आंसर हमारा क्या आ रहा है 35 यानी कि 35 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बात तो वो हुई ना कि हम तो क्या कर रहे हैं स्क्वेयर क्यूब कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो स्क्वेयर क्यूब से आना चाहिए, तो चलिए स्क्वेयर क्यूब से ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे, दिक्कत ना माने। देखिए यहां पे पहली दो संख्या से तो पता नहीं चलेगा, अब जो ये 10 लिखा है ये कहीं ना कहीं दो के घन के नजदीक है यानी कि 8 के नजदीक है, तो क्या ये 15 27 के नजदीक है, ये तो नजदीक नहीं है, और 64 के नजदीक ये 26 भी नहीं। मैं ये क्या संख्याएं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये दो का घन, दो का घन होता है 8, चार का फिर यहां पे चार, चार का घन कितना होता है 64, इसके नजदीक तो नहीं है, नहीं है तो कहां होगा वर्ग के नजदीक होगा यानी कि स्क्वेयर के नजदीक होगा। तो चलिए स्क्वेयर का हम यूज करते हैं, जो ये दो लिखा है ये कहीं ना कहीं एक के स्क्वेयर के नजदीक है और दो के स्क्वेयर के नजदीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम एक से। तो देखिए एक का स्क्वेयर कितना होता है एक,
उसमें एक जोड़ दोगे तो कितना आया, दो, ये तो 16 हो गया। अब ये तीन जो है कितने स्क्वायर के नजदीक है, दो के वर्ग के नजदीक है, दो का वर्ग होता है 4, कितना माइनस कर दें, एक माइनस कर दें, चलिए एक माइनस कर दिया। अब पहुंचेंगे हम तीन वाले पे, तीन का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से एक कर दिया प्लस तो कितना आया 10, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन सोल्व, कैसे कि देखो पहले एक का वर्ग, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का, अब कितने का लेगा, अब 6 का लेगा। चलिए हमने 6 का वर्ग लिख लिया, पहले ही 6 का ले लिया, पहले एक प्लस किया फिर एक माइनस, फिर प्लस किया फिर माइनस, फिर प्लस करेगा फिर क्या करेगा, माइनस करेगा, तो चलिए माइनस कर देते हैं, 6 के वर्ग में से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 35, 6 × 36 माइनस 1 35, आंसर 16। क्या डिफरेंस की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, डिफरेंस से नहीं करना था, नहीं किया, काम खत्म हुआ। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन ही ऐसे करना है, हर एक क्वेश्चन ही ऐसे करना है, क्वेश्चन ही सिंपल है। आप इसे डिफरेंस से निकाल के देखो, आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस से आप निकाल के देखो, और एक हम सोल्व करेंगे विदाउट डिफरेंस, कि विदाउट डिफरेंस जो है इनका सॉल्यूशन कैसे आता है, तो वो हमें तरीका अप्लाई करना होगा। देखिए वो कैसे है, यहां पे क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, उसके बाद कितना लिखा है 8, उसके बाद कितना है 18, फिर 32, फिर 50। अब कहीं ना कहीं ये तो वर्ग के ही नजदीक है, क्यूब के नजदीक तो नहीं है, अगर क्यूब के नजदीक होता तो कहीं ना कहीं ये 100 का आंकड़ा पार कर गया होगा, या फिर ये 64 के नजदीक है, ये 27 के है, तो यहां पे ये चीजें नहीं है। अब इन्हें कहां लेके आएंगे, ये क्या 0 के नजदीक लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए चेक करते हैं किस तरीके से, यदि मान लीजिए यहां पे क्या लिखा है 2, ये कितना लिखा है 2, चलिए अब हमें क्या करना होगा, अब हम मान लेते हैं कि ये कितने से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, उसमें कितना प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें, 1 का वर्ग हुआ 1, उसमें कितना जोड़ दिया 1, कितना जोड़ दिया 1, एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। फिर 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, कितना प्लस कर दें 4 ही प्लस कर देते हैं। अब यहां कितना है, ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में कितना ही जोड़ दें 9 जोड़ दें, अरे भाई हमें जोड़ने की क्यों जरूरत है, नहीं जोड़ेंगे हम तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का वर्ग हुआ 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 2, 2 का वर्ग होता है 4, को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि आया 8, फिर ऐसे ही 18 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि कितना आया 9 दूनी 18 आया, इसके बाद में 4 है, 4 चौक 16, 16 दूनी कितना होता है 32, यानी कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 का डबल कर दिया कितना आ गया 32 आ गया, फिर 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 का डबल कर दो, 25 का डबल कर दिया कितना आ गया 50 आ गया, अब 6 का डबल कर दो, 6 का डबल कितना होता है 36, अब भाई 36, 36 का डबल कर दो, 36 का डबल कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा तो आपको काम करना ही था, 36 का डबल होता है 72, आपका आंसर कितना है 72। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, है ना। तो देखिए अब हम पहुंचते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे, 74वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 74 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, और डिफरेंस में क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, डिफरेंस में हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। भाई टाइम जो है अपने पास इतना कीमती है, वो वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एक सेकंड जो है वो कीमती होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर हमारा मान लीजिए 72 हमारा आ गया, और जैसे ही हमने माउस उठाया और एक क्लिक किया, एक सेकेंड लगी ना क्लिक करने में, क्लिक करते ही टाइम खत्म हो गया, तो एक एक सेकेंड कीमती है हमारे लिए, तो एक एक सेकंड हमें कीमती रखने के लिए इस तरीके की ट्रिक हमें अप्लाई करनी होती है। और ये ट्रिक आती कहां से है, ये ट्रिक आती है आपकी प्रैक्टिस से, है ना। तो देखिए अब हम पहुंचते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे, 74 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए वो क्या कहता है उसे हम चेक करेंगे, क्या क्या आपने करना है डिफरेंस, और आप करो डिफरेंस से सोल्व, आप करते हो डिफरेंस से सोल्व, मैं करूंगा ट्रिक से सोल्व, है ना। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए हम अगर इस एक को एक से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आया, एक आया, और इसमें प्लस कितना कर दें, एक का स्क्वायर प्लस कर दें, एक का स्क्वायर कितना होता है एक होता है, क्या आंसर आया हमारा दो आया। अब हमें ये कितने से मल्टीप्लाई करना है, चलिए दो को दो से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो दूनी कितना हुआ 4, कितना प्लस कर दें, दो का स्क्वायर ही प्लस कर दें, हो गया 8। अब क्या करेंगे, 8 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, 3 8 कितना होता है 24, 24 में कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है,
वो 9 कहां से आया, 3 का वर्ग करके आया। अब यहां पे क्या कर रहा है, ये 4 वाले का यूज कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कि इसने क्या किया होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 का स्क्वायर लिखा होगा, फिर आपका क्या आ गया होगा, 148 आ गया होगा। तो आगे की तरफ फिर क्या करेगा, फिर 5 से करेगा। तो देखिए इसे क्या करेगा, पहले वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए हम पहले जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ लेते हैं, जैसे कि 8 पंजे कितना हुआ 40, 5 चौक कितना हुआ 20, 5 एकम 5 तो कितना आ गया 5 और 2 740, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, उसका आपका स्क्वायर जो हुआ वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर क्या हुआ 765, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से आपने डिफरेंस किया होगा, हमने क्या कर लिया, ट्रिक से कर लिया। यकीन मानिए हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, सीरीज इतनी सिंपल होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कहां से सोल्व होगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन से सोल्व होगी और आपकी प्रैक्टिस से सोल्व होती है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने आसानी से सीरीज को सोल्व कर पाओगे। तो आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया आपको, स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन नहीं दिया, चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, 75 नंबर क्वेश्चन। इस 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। सिर्फ अब अपनी एक लास्ट टाइप बची है, वो लास्ट टाइप आज हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ अलग ही आने वाले हैं, जो बिना दिमाग के हमें सोल्व करने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बाद क्वेश्चन कैसे रहेंगे, इलॉजिकल रहेंगे, जिनमें कोई लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है, विदाउट माइंड आपको सोल्व करना है। विदाउट माइंड कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मैंने जितने भी सीरीज के क्वेश्चन कराए हैं एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपका मैंने बहुत सारी किताबों से ढूंढ ढूंढ करके मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, वो हर एक क्वेश्चन मैंने आपके सोल्व कराए हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो है वो बाकी है, वो भी हम अभी सोल्व करेंगे। मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं आपके साथ लाइव आ सकूं और फिर मैं जो है आपकी क्लास से लाइव ले सकूं। तो कम से कम आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उनके आपको कमेंट बॉक्स में वहां पे आंसर लिख के बताने हैं। काफी बच्चों के आंसर आते हैं, तो देखते हैं आज वाली वीडियो में कितने बच्चों के आंसर आएंगे। अब हम आते हैं इलॉजिकल पे, तो ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इनका क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है, चलिए दिमाग लगाते रहो सोल्व करते रहो। नहीं हो रहे, चलिए मैं बता देता हूं, देखिए किस तरीके से इलॉजिकल है, लॉजिक तो लगाना ही नहीं है, नहीं लगाना है, चलिए नहीं लगाते हैं। तो देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का कितना हुआ 36, 7 का कितना हुआ 49, 8 का कितना हुआ 64, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का होता है 81, आंसर आ गया, है ना, इलॉजिकल है। आते हैं इस पे, ये क्या कर रहा है, देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का होता है 64, तो 5 का कितना होता है 125, आंसर क्या आ गया 5125। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस तरीके से कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, आंसर क्या आ गया, इतना आ गया, क्लियर है। आते हैं इस पे 31 वाले पे, ये कुछ नहीं है, ये खाली मंथ के कोड है, ये जनवरी, इसके बाद फेब है, फिर मार्च है, फिर आपका अप्रैल है, फिर आपका मई है, उसके बाद में जून है, फिर जुलाई है, और फिर है अगस्त। अगस्त हमेशा 31 का होता है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर क्या है, सितंबर है, सितंबर कितने का होता है 30 का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप तो पार्टी देनी है आपको अपने बर्थडे पे, तो ये नहीं बताना कि हमारा बर्थडे 30 फरवरी का है, तो वो तो बच्चे करते थे, तो आपको कैसी बातें करनी है, बड़े वाली बातें करनी, आपको बताना कि मेरा बर्थडे है 31 सितंबर को, जो कभी आता नहीं है, बंदा मान लेगा ठीक है सितंबर आएगी 31 तारीख को पक्का पार्टी रहेगी, और आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे, है ना। तो चलिए टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पार्टी वगैरह तो कब करनी है आपको, ये आपको सिलेक्शन के बाद करनी है। तो अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, किस तरीके से, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को उल्टा कर दिया भाई, उसके बाद में क्या, देखो 4 का 16 है, 5 का कितना है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, उसके बाद में 9 का 81, और भाई 10 का कितना होता है 100, तो पलट दो 100 को लिख दो, कितना आ गया 1 आ गया, 001 इस क्वेश्चन का आंसर है।
आपके सीरीज के 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने रिपीट करवाया हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसकी ट्रिक रिपीट हुई हो। हर एक ट्रिक अलग है, यानी कि 80 ट्रिक है। और क्या 80 ट्रिक मुश्किल है? नहीं है, एक भी मुश्किल नहीं है। बात यह नहीं है कि आप 80 ट्रिक जो है कैसे याद रख पाओगे, वो याद नहीं रखनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन दिखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसका तो ये आंसर होगा, डायरेक्ट हमें पता चलना चाहिए। बस हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और उसका कमेंट करना है। उसके बाद में वीडियो को शेयर करना है। बेल आइकन जो है, वहां पे बेल आइकन है, वो जरूर आप क्लिक कर दिया करो, ताकि जो भी नई वीडियो आती है तो तुरंत आपको मैसेज आ जाए कि देखिए भाई अब आपकी रीजनिंग की जो है क्लास आ चुकी है, अब अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। इस तरीके से ही करना है, और सब्सक्राइब करना भी है और सब्सक्राइब करवाना भी है, शेयर भी करना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।